Okay, then let's have a more question. Question is, let A and B be the vectors along the diagonal of a parallelogram having area 2 root 2. Let the angle between A and B be acute. Modulus of A is 1 and modulus of A dot B is modulus of A cross B. If vector C is 2 root 2 into A cross B minus 2B, then find angle between vectors B and C. कैसे निकालेंगे बी एंड सी के बीच का एंगल? वेक्टर सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. फॉर वेक्टर्स ए एंड बी वी हैव इंफॉर्मेशन, मॉड्यूलस ऑफ ए इज वन, मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी इज मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उस डायगोनल्स आर ए एंड बी इज 2 रूट 2. व्हाट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल वेक्टर्स ए एंड बी? Area will be 1 upon 2 into modulus of A cross B. We have this formula. This is equal to 2 root 2. Okay. Then we get modulus of A, modulus of B into sine theta is equal to 4 root 2. Modulus of A is 1. We do not have modulus of B. We do not have angle theta. But we have this information. Modulus of A dot B is modulus of A cross B. Then from this we get modulus of A, modulus of B into modulus of cos theta is equal to modulus of A, modulus of B into sine theta. Sine theta is positive, for theta belongs to 0 to pi. Okay. So we get modulus of cos theta is equal to sine theta. From this we get theta is equal to pi by 4, because angle between vectors A and B is acute. We can have angle theta 3 pi by 4 also. But given है कि A and B के बीच का angle acute है, तो हम theta को क्या लेंगे? Theta को हम pi by 4 लेंगे. So this will be 1 upon root 2. Okay, so we get modulus of B is equal to 8. We got the value of modulus of B. Okay, we want angle between B and C. हमें B का modulus मिला. ये parallelogram का area use करके, ठीक है, और ये information use करके. Now we have this vector equation. अब जो भी use करना है, इसी equation को use करना है. कैसे निकाल सकते हैं बी एंड सी का, सी के बीच का एंगल? इस इक्वेशन को यूज करके वी कैन गेट बी डॉट सी. बी डॉट सी निकाल सकते हैं. व्हाट विल बी डॉट सी? इफ वी टेक डॉट विथ बी, वी गेट बी डॉट सी. बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस टू इंटू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी. ठीक है, बिकॉज बी डॉट ए क्रॉस बी विल बी जीरो. ए क्रॉस बी ए एंड बी को परपेंडिकुलर होगा ना, तो बी का इसके साथ डॉट जीरो होगा. ओके, तो बी डॉट सी माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर होगा. मॉड्यूलस ऑफ बी एट है. सो फ्रॉम दिस वी गेट बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस 128. ओके, B dot C is modulus of B into modulus of C into cos theta is equal to minus 128. We have this modulus of B hai. So to get angle theta, let's say this is angle alpha. Alpha is angle between vectors A, B and C. So to get the value of cos alpha, we need the value of modulus of C. अगर हम मॉड्यूलस ऑफ सी निकाल लेते हैं तो हमें ये एंगल मिल सकता. कैसे निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ सी? सिंपल है. क्या करेंगे? इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे. ठीक है, स्क्वायर दिस इक्वेशन, वी गेट स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सी इज इक्वल टू 2 रूट 2 स्क्वायर इज 8 इनटू स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस 0, बिकॉज ए क्रॉस बी डॉट बी इज 0. ठीक है, यहां से हमें मॉड्यूलस ऑफ सी मिलेगा. ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे यूज करना है ये हमें समझ में आना चाहिए. मॉड्यूलस ऑफ बी इज 8. वी हैव हियर 4 इनटू 64. ओके,
मॉड्यूलस ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी का तो वैल्यू है हमारे पास ए क्रॉस मॉड्यूलस इनफैक्ट मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज फोर रूट टू ओके फोर रूट टू स्क्वायर इज क्या होगा 32 सो वी हैव हियर 8 इंटू 32 ओके सो दिस इज एक्चुअली दिस इज 4 इंटू 64 ओके सो वी हैव हियर 2 इंटू 4 इंटू 64 सो मॉड्यूलस ऑफ सी विल बी मॉड्यूलस ऑफ सी विल बी क्या होगा इसका वैल्यू इस वैल्यू विल बी मॉड्यूलस ऑफ बी इज 8 एंड मॉड्यूलस ऑफ सी विल बी रूट 2 इंटू 2 इंटू 8 ये होगा ना ठीक है दिस इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 128 ठीक है यहां तक सिंप्लीफाई करते हैं ये दिस इज 64 इंटू 2 128 गेट्स कैंसल आउट वी गेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी गेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर रूट 2 सो एंगल अल्फा विल बी 3 पाई बाय 4 एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी एंड सी विल बी 3 पाई बाय 4 दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूस ओके